खबर दिनभर मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के खिलाफ नागौर के कुचेरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्दा और कुचेरा के निवासी कैलाश मिर्दा ने केस दर्ज करवाया। बेनीवाल पर 19 अप्रैल को कुचेरा में धारा 144 का उल्लंघन करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंगना थाना क्षेत्र में सोमवार को एक मिनी बस और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। राजस्थान के भरतपुर में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आए, 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थी की जगह डॉक्टर दे रहे थे परीक्षा। नीट एग्जाम में डमी अभ्यर्थी को भेजा रिमांड पर कल पुलिस ने चेतन को किया था गिरफ्तार। बाड़मेर का निवासी है चेतन, कोर्ट में आरोपी को किया गया पेश, कोर्ट ने भेजा 2 दिन के रिमांड पर। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में 2 बच्चों की जहर देकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या का शक पिता पर जताया जा रहा है। बच्चों के पिता अपने घर के नीचे परचूने की दुकान चलाते हैं। बताया जा रहा है कि दुकान पर ही हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक लड़के की उम्र 11 साल जबकि लड़की की उम्र 13 साल बताई जा रही है। आबकारी मामले में बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद न्यायिक हिरासत से ही भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी के 40वें दिन की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए बेटे अब्बास अंसारी ने अंतरिम जमानत की मांग की लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब्बास के वकील कपिल ने सीजेआई के सामने मामले को उठाते हुए कहा कि कोर्ट मामले पर जल्द सुनवाई करे। इस पर सीजेआई ने 7 मई को सुनवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही। पीएमएलए के तहत करीब आधा दर्जन ठिकानों पर रेड डाली गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकाने पर की जा रही है। झारखंड के एक मंत्री के सचिव के घरेलू नौकर के घर से भी केश बरामद हुआ है। सेल सिटी समेत कई जगहों पर रेड पड़ी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा की सोशल मीडिया टीम के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर चुकी पूर्व सांसद श्रीकला सिंह का टिकट सोमवार को कट गया। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।